फार्मास्यूटिकल मंगावेल काचो मालनी ओछी रकम बतावी कस्टम ड्यूटी नी रकम भरी होवानी खोटी रसीद बनावी छेतरपिंडी करी होवानुं बहार आव्युं छे। छेतरपिंडी अंगे जीआईडीसी पोलीसे गुनो नोंधी वधु तपास हाथ धरी छे। बनावनी विगतो अनुसार अंकलेश्वर जीआईडीसी में आवेल श्री केमो फार्मा अंकलेश्वर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना उद्योगकार जय सुरेशभाई दवे धरावे छे। तेओ विदेशमांथी आवता काचो माल रूपी रॉ मटेरियल माटे मुंबई खाते कस्टम ब्रोकर तरीके काम करती ग्लोबल क्लियरन्स एंड लॉजिस्टिक नामनी संस्थाना संचालक प्रवीण भानुशाली, किरण भानुशाली और दर्शित भानुशाली ने पोताना इटली सहित देशमांथी आवता काचा माल कस्टम ड्यूटी भरी छोड़वा माटे रोक्या छे। त्रणे ब्रोकर द्वारा इटलीथी आवेल 6 कंटेनरना कस्टम ड्यूटी रकम रूपया 99.80 लाख बैंक थी RTGM मार्फते मोकली आपवामां आव्या हता, जेनी सामे काचा मालना डुप्लिकेट बिलो बनावी काचा मालनी ओछी किंमत बतावी कस्टम ऑफिसमां रजू कर्या हता। कस्टम ड्यूटी रूपया भर्यानी खोटी रसीदो बनावी कुल 99,89,516 रुपया भरवानी थती कस्टम ड्यूटी भरी न हती अने तेना बदले खोटा बिल आधारित 27,03,019 रुपया कस्टम ड्यूटी भरी हती अने बाकीनी ड्यूटीनी रकम 72,86,497 नहीं भरी ने श्री केमो फार्मा अंकलेश्वर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी साथे छेतरपिंडी करवामां आवी हती। अत्रे उल्लेखनीय छे के चेक के जे कस्टम ड्यूटी भरी हती तेना आधारे 3 कंटेनर हजीरा खातेथी ज्यारे 3 कंटेनर मुंबई सिटी नान सेवा मुंबई पोर्ट खातेथी कंपनी खाते काचो माल लई आववामां आव्या हता अने समग्र मामलो त्यारे सामे आव्यो ज्यारे भरेला कस्टम ड्यूटीना आधारे GST क्रेडिट मळती होय छे। त्यारे ओछी कस्टम ड्यूटीने लई GST क्रेडिट ओछी आवता जय દવે समक्ष પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાના સાથે સરકારને પણ મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું। તેઓ દ્વારા આ બાબતે બાકીની કસ્ટમ ડ્યુટીની રકમના રૂપિયા 72.86 લાખ પરત માંગતા જ ત્રણેય બ્રોકરે ઉડાવ જવાબ આપી ગલ્લા તલ્લા કરવા લાગ્યા હતા અને આખરે આ મામલે અંકલેશ્વર GIDC પોલીસ મથકે જય દવે દ્વારા પ્રવીણ ભાનુશાલી, કિરણ ભાનુશાલી અને દર્શિત ભાનુશાલી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે।